हम जरूर व्यूअर्स को एक बार बॉम्बे भी मैं लेकर के जाऊंगी और उन्हें जो ये बनाते हैं, दो जने आपने हमें बताए थे जो कि बॉम्बे में बनाते हैं, एक मिस्टर यादव हैं और एक मिस्टर पंडित हैं। पंडित जी को तो इसमें पद्मश्री मिली है। ओहो जी, पद्मश्री मिली है। तो कीप वॉचिंग, वी आर गोइंग टू बॉम्बे एंड आई विल टेक यू टू हिज प्लेस। जी 11,000 रुपीस। ओह माय गॉड, रुपए का पॉट है ये। 11,000 रुपीस का, एंड दीज आर क्वाइट हेवी एज वेल। ये बॉम्बे में बनते हैं और सिरेमिक के हैं ये, बिल्कुल कभी हाँ। खराब नहीं होते, टूट सकते हैं पर बाकी खराब नहीं होंगे, बिके नहीं, हाँ। नहीं होंगे, ये कहीं से भी कुछ नहीं बिगड़ेगा इनका। बहुत ही स्ट्रांग है, है ना? जो इनको बना रहा है उसको पद्मश्री मिली हुई है इस काम में। अच्छा, पॉट्स बनाने के लिए? यस, पॉट्स में पद्मश्री मिली हुई है। अच्छा, और मैं जाके देख के आया था, उसका काम बहुत मेहनत का काम है, बहुत। हाँ, बॉम्बे वाला पॉट। डॉक्टर अदिति आर खंडेलवाल एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लोरा फ्रेंजी, पौधों के लिए दीवानापन। तो यस, आई वाज ट्रैवलिंग टू बॉम्बे और एक दिन मुझे फ्री मिला एंड दैट डे वाज माय फर्स्ट टाइम फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक पहली बार मैंने ये दुस्साहस करा कि मैं बॉम्बे में अकेली ही चले जाती हूँ। वैसे आई एम क्वाइट इंडिपेंडेंट बट बॉम्बे में आई हैव नेवर ट्राइड दैट। सो यस, दैट डे मैंने मैप लगाया एंड अपेरेंटली जब मैं कार में बैठी मुझे पता पड़ा इट वॉज एन ऑटोमेटिक व्हीकल, जो मैंने कभी ट्राई नहीं करा था। और फिर मैंने वो ऑटोमेटिक कार चलाई और मैं अपने आप पंडित जी के घर तक पहुंच गई। सो दैट वॉज फर्स्ट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दैट डे फॉर मी। पंडित जी के यहाँ पहुँच करके जो मैंने देखा, वो देखते ही मेरी आंखें चकरा गईं, बिकॉज द फर्स्ट थिंग दैट ही शोड मी वॉज द पॉटरी, द स्टूडियो पॉटरी दैट ही हैज। सो उसको देख करके मुझे लगा, ओह माय गॉड, मैं कहाँ लैंड कर रही हूँ, अभी तक तो मैंने केवल पॉट्स देखे थे एंड ही इज क्रिएटिंग सच अमेजिंग थिंग्स ओवर हियर। अब मैं आपको थोड़ा सा पंडित जी के बारे में बताती हूँ। सो पंडित जी का पूरा नाम है ब्रह्मदेव राम पंडित और उनके पिताजी का नाम है राम पंडित। वो लोग बिहार से हैं और बहुत सालों से अब पंडित जी बॉम्बे में ही रहते हैं। पंडित जी, एज वी फॉन्डली कॉल हिम, ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद मैनी मैनी अवार्ड्स, biggest being the Padma Shri Award by the President of India in the year 2013. Aaj, wo bahut sare pots banate hain and his pots for bonsais are very very famous in India and abroad. Pandit ji ke ghar mein jab main wahan gayi to I felt so happy kyunki bahut hi unhone mujhe warm welcome diya and I met his wife, I met his son, I met his daughter-in-law and of course Pandit ji himself. उन्होंने मुझे सारा का सारा अपना कलेक्शन दिखाया, उन्होंने मेरे से बहुत सारी गपशप करी, उसके बाद में उन्होंने मुझे अपना सारा प्रोसेस बताया पॉटरी मेकिंग का एंड फाइनली ही ऑल्सो गेव मी अ गिफ्ट एंड विच आई डियरली हैव पुट इन माई ड्राॅइंग रूम। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी शो यू ऑल हिज कलेक्शन। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू द ग्लिम्सेस ऑफ हिज कलेक्शन एंड वॉट ऑल वी डिड एंड आफ्टर दैट two more episodes would be there in which we will be talking to him, chit-chatting a lot and then we will be showing you the whole process. आजकल दुनिया में हमारे पहले इंडिया में निजामाबाद यूपी में होता था ब्लैक पॉटरी, और उसी का स्मोक होता है, ये धुआं पी जाता था, लाइन जहाँ की है ना लॉक होता है, जहाँ लाइन है वहाँ वो टूथ पेस्ट जो डाल खोलते है ना उससे वो डिजाइन बना देते, बॉडी पर चला जाता तो खींच रहता, पोरोसिटी होता है इसके लिए। अच्छा, ऐसे ये क्रिस्टल गिलेज है ये। अच्छा, ये वाला क्रिस्टल है। हाँ, क्रिस्टल गिलेज। हाँ। ऐसे ये धुआं पिलाया है, वो भी स्मोकिंग है, लेकिन अलग अलग आइडिया। तो आप ये नई नई चीजें कैसे ढूंढ के लाते हैं, कैसे? बहुत अनुभव हो गया, मैं तो ये अभी लाइन बोले 72 का हूँ ना, 73 हो गया, ये देखिए, इसको नाम है कॉपर रिंग। अच्छा, ये क्या चीज है? अच्छा, ये भी वही एक बॉल है, वो जाली वाले। अच्छा, तो ये पॉट है या वैसे रख दिया? उल्टा कर दिया, उल्टा रहेगा तब उल्टा खराब लगता है, वो सब खराब लगता है। अच्छा, नहीं किधर एक शो था, हाँ, निकाला था पारंपरिक पारी,
अच्छा बॉम्बे का ये म्यूजियम है, बॉम्बे की म्यूजियम केमिकल ये एक सॉल्टी होता है आयरन क्रोमेट आयरन फॉस्फेट अच्छा मिलाते हैं और ये वो दाग आगे उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसको ये एल्युमिनियम फॉल में लपेट के रखते हैं केमिकल से उसको भाप से वो सब ऑब्जर्व करता है। तो ये अलग तरीके का डिजाइन है ग्रेनाइट में सर जी। बाकी ये मेरी जो टॉप सरफाई ग्लेज है ये कुछ है इंडिया में अकेले में करता कैंसर हो नहीं पा रहा है। अच्छा इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी डिमांड आती होगी गैलरी को जाते अच्छा हाँ दिस इज ऑल प्योर आर्ट स्मोकिंग इतना सुंदर नहीं होता है किनका करते हैं दिल्ली में कर रहे हैं अच्छा सब हाथ से काम है पूरा प्योरली मैं खुद करते हैं ना कैनवास बनाया दीवार के लिए ये आजकल बहुत हम लोग इसको मिल रहा है अच्छा ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर है कलर भी इतना अच्छा है और जो इसका वो आया है शेप बहुत ही बढ़िया है ये सारा सिरेमिक है स्टूडियो ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई यू नो मेटल का वो ऐसा लग रहा है जी अब बताइए बहुत बड़े बड़े अब का सबसे बड़ा साइज का पॉट कितने साइज का रहता है ये वाला सबसे बड़ा है हाँ जी 50 किलो है और कुछ ज्यादा है 450 के ऊपर एकदम मेटल फिनिश लग रही है इसकी लेकिन दिस इज ऑल सिरेमिक आई एम नॉट एबल टू बिलीव माई आईज दैट दिस वर्क इज प्योर सिरेमिक एंड ऑल हैंडमेड तो जब आप पंडित जी का काम देखते हैं तो आप देखेंगे कि इट इज़ टेक्सचर्ड पूरा का पूरा जो काम है वो काफ़ी ऐसा टेक्सचर्ड होता है और जो फिनिश है वो बहुत अच्छी है एंड द कलर्स आर वेरी सटल अर्दन कलर्स में काम करते हैं वो और बहुत ही डिज़ाइन के अलग अलग तरीके के व्हाट यू जस्ट यू नो वुड एवर थिंक ऑफ कि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे पॉट के अंदर ना
वाटर के लिए अलग से जगह हो, तो दी स्पॉट्स आर लाइक दैट. और ही हैज़ वेरी ब्यूटिफुल कलेक्शन, वेरी यू नो डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ बॉन्ज़ाई पॉट्स. एंड द यूएसपी, अनदर यूएसपी ऑफ दीज पॉट्स इज दैट यू नो द वेरी लॉन्ग लास्टिंग, दे डू नॉट ब्रेक वेरी ईजीली एज वी हैव ऑलरेडी सीन एंड यू नो डिस्कस द क्वालिटी ऑफ द पॉट्स वेन यू आर डूइंग वीडियोज विद मिस्टर हेत्रा मिश्नोई जी. सो ही ऑल्सो टोल्ड अस that whatever pots Pandit ji gives, they're very long lasting, वो खिरते नहीं हैं साइड से और लंबे चलते हैं, plus they don't even look very dirty over a period of time, because as it is the color is colors are very earthen और एक अलग उनमें sheen नहीं होती है, they're matte finish. So matte finish की वजह से they always look very natural, and this is the pot that I was talking about. So there is already a space wherein we can put water, and probably in the rest of the pot we can plant the plant, and you know, specifically designed for bonsais. You can see the four holes there to pass the wire from. So I hope aapko dekh karke sara collection bahut zyada maza aaya hoga, and yes, you have to keep waiting for the rest of the things. So keep, do come back next week for the whole, for chit-chatting with Pandit ji and his wife, and also seeing the process by which he makes his pottery. And don't forget to subscribe to my channel, also visit my Instagram page, and yes, keep commenting. I always try to get you such amazing stuff from all over India. So I hope you will subscribe to my channel. And also keep commenting. Tell me, what do you think about Panditji's collection that I've just shown you? And also tell me, agar aapko unse koi sawal poochna hai, agar aur bhi koi baat hai, toh please, your comments are very, very important for me. So please keep commenting. Bye-bye.